नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नंदिकेश ब्लॉग और इस चैनल पे तमाम तरह के बिजनेस की आपको जानकारी हम देते रहते हैं। हर छोटे बिजनेस को कैसे बड़ा किया जाता है, उसे कैसे लार्ज स्केल पे लेके जाता है, उसको हम बड़ी डिटेल से बताते हैं और हर बिजनेस करने वालों को हम जितना मदद हो सकता करते रहते हैं। पिछले कुछ दिन पहले आए थे योगी जी और इन्होंने अपना नमक का बिजनेस स्टार्ट किया था और बहुत ही सुंदर नमक का बिजनेस इनका दौर पड़ा। उसी कड़ी में फिर से मिलने के लिए आए हैं और इनका क्या टर्नओवर बढ़ा है, कैसे इन्होंने नमक के बिजनेस को एक ऊंचाई पे पहुंचाया है, इन्हीं से जानेंगे। तो इनका पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखे होंगे, तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार नंदिकेश जी, आपके पास हम पहले आए थे जी। जो हम लोग बात किए थे नमक के बारे में, हम लोगों को बोले थे कि आप एक बार चेक करिए, ये नमक एक बार चेक करिए, खा के देखिए। लोगों को जो एक बार जो ट्राई किया, लोग क्विंटल के क्विंटल ऑर्डर कर रहा है, कोई 10 किलो जो रेगुलर यूज करने वाले 10 किलो 15 किलो अपने घर में रख रहे हैं खरीद खरीद के। इसमें क्या पाया गया, अनदर नमक में जो है कचकच खाइएगा तो कचकच जैसा लगता है, लेकिन ये वाला नमक में आपको कचकच नहीं लगेगा। कचकच का मतलब है कुछ न कुछ मिक्स करना। ये वाला मतलब सिंधा नमक की जो क्वालिटी है एक नंबर, वो वर्तमान स्थिति में जितने भी नमक हैं बाजार में वो सबसे एक नंबर, सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिंधा नमक जबरदस्त काम कर रहा है, एक नंबर है। जो दुकानदार जो सेल कर रहे हैं वो भी खा रहे हैं और ग्राहक तो खा ही रहे हैं। कभी भी एक बार आप अपना ये जो है नमक सिंधा नमक आप खा के देखिए, अद्भुत। और जानते हैं विशेष बात क्या है इसमें, और बहुत बड़ी बात क्या है कि आपको जो ये नमक खाइएगा सिंधा नमक, रियल में बढ़िया सिंधा नमक खाइएगा तो दाम थोड़ा सा लगेगा लेकिन क्वालिटी अच्छा मिलेगा। और सोराइसिस जैसे बीमारी आपको नमक के वजह से हो रहा है और कब्ज पैदा कर रहा है नमक, ये ध्यान में रखिएगा। कोई नहीं बताएगा नमक भी कब्ज पैदा करता है, ऐसा कोई बताइए नहीं करेगा, लेकिन नमक भी कब्ज पैदा कर रहा है। मतलब नमक की जो क्वालिटी है वो सिंधा नमक की क्वालिटी वर्तमान में जितने भी टाटा माटा जितने बड़ी बड़ी कंपनी है, नमक सबसे बेस्ट सिंधा नमक है। और सिंधा नमक को खाने से जितने भी रोग है वो सब पेट का वो खत्म हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। और मुंह का लार बनेगा कि बहुत सारा डिटेल में बात करेंगे समय समय पर, अगले वीडियो में भी बात करेंगे, लेकिन एक बार ट्राई करके देखिए। आइए नंदिकेश जी के पास आइए और अपना आपको देख सकते हैं ये पूरा नमक का, आपको मैंने देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे यही सब नमक है, सिंधा नमक है। और सिंधा नमक का इतना अच्छा रिस्पॉन्स अभी हुआ है कि इनको ऑर्डर भर भर के आ रहे हैं और ये बहुत ही खुश है, क्योंकि जब इनका मैंने वीडियो बनाया था सिंधा नमक का तो उसके बाद मैंने देखा कि बहुत अच्छा रिव्यू आया और अच्छा जिन्होंने यूज किया उन्होंने डबल ट्रिपल ऑर्डर दिए, क्योंकि यह एक समस्या है, कंसर्न है तेल और नमक जी, ये दोनों वर्तमान स्थिति में बहुत अहम होता है। खाते हैं ना, देखिए नमक जो है कि आप हर परिस्थिति में नमक खाइए, चाहे पर्व हो त्योहार हो या डेली यूज में हो, नमक सब्जी में दाल में ऊपर से लेके भी खाते हैं, ऊपर से जो लेके खाते हैं संधा नमक ही होना चाहिए, अन्यथा अनदर नमक जो लीजिएगा वो जहर के समान है। अच्छा, बेहतर इस बिजनेस को आप स्टार्ट करने के लिए कितनी रुपया की लागत से बिजनेस स्टार्ट किया, जरा ये दर्शकों को बताइए। ये बिजनेस एकदम छोटा बिजनेस है, मतलब ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं, मात्र 10,000-15,000 से आप शुरू कर सकते हैं ये वाला बिजनेस। देखिए 10,000 रुपया लगा के दोस्तों आज के समय में लाखों रुपया कमा रहे हैं, आप जान सकते हैं। सिर्फ 10,000 रुपया की लागत से नमक का बिजनेस स्टार्ट करिए और उस नमक का बिजनेस से आप लाखों कमाइएगा, ऐसा बिजनेस आइडिया आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। तो ये 10,000 का आइडिया कहाँ से आया, जरा दर्शकों को बताइए, ताकि बहुत सारे छोटे छोटे उद्यमी जो है बिहार में वो वीडियो देखते हैं और उनके मन में बिजनेस करने की जज्बा होती है, और उस जज्बा को कैसे कायम रखें कम पूंजी में, कैसे वो बिजनेस करें और आप ही के तरह सेल भी करेंगे। और
जो भी जुड़िएगा उनका भी वीडियो हम बनाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में बनाएंगे, जिनके साथ जुड़ेंगे अंतिम तक जुड़ते रहेंगे। देखिए इसमें क्या है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, नमक हमारा शरीर से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये बिजनेस आपका चल पड़ेगा। अगर आप करिएगा तो दौड़ेगा, चल पड़ेगा नहीं, दौड़ेगा बहुत ही स्पीड से, क्योंकि रोज दिन भर आकर जिन मतलब रोज के डेली यूज में नमक चाहिए और डिसीजन नहीं ले पाते हैं हम, नमक का जरूरत सब दिन रहता है, 365 दिन नमक का जरूरत रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम नमक खाए कौन ना खाए, जो जल्दी मिल जाए 1-10 रुपया किलो 15 रुपया किलो वाला तो हम खा लेते ले लेते हैं, लेकिन उसके एवज में हमें जो मिलता है डायबिटीज, बीपी, सोराइसिस जैसे बीमारी, कब्ज जैसे बीमारी, ये नमक के वजह से हो रहा है। भारत में अपना देश इतना बड़ा देश है भारत, नमक का बढ़िया बिजनेस हो सकता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। अगर आप स्वस्थ भी समाज को बनाना चाहे तो सिर्फ नमक भी बेचिए, 50% रोग समाधान हो जाएगा, इतना बड़ा मार्केट है भारत में। ये अंधविश्वास के मकर जाल में नहीं फंसिए कि ये जहरीला नमक जो बिक रहा है, आप नमक के बारे में थोड़ा सर्च करिए। आप नंदिकेश जी का वीडियो सुन रहे हैं, अनदर लोगों का और सुनिएगा, नमक से क्या क्या लाभ है, हानि है, आपको पता चलेगा, क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई, आपको पता चलेगा। नमक हमारे शरीर में बहुत बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंदिकेश जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर बढ़िया से इसको लोगों को समझाएं और आप तक वीडियो पहुंचाएं। चलिए नंदिकेश बहुत बहुत धन्यवाद, बोलिए हमने आपका जो नमक खाया, अच्छा, अच्छा। आप आए मेरे यहाँ और मैंने उस नमक को जो दिए थे प्रोडक्ट के तौर पे, मैंने जो नमक को यूज किया है, मेरे शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला, अच्छा। जो कि महसूस कर रहे हैं अंदर से, जब खाने बैठते हैं तो स्वाद में इतनी खुशबू आती है, परिवर्तन आती है, और जो भी खाते हैं आराम से पच जाता है, सबसे बड़ी बात है। मेन तो पचना ही है। दिन से हम सिंधा नमक यूज, बिल्कुल सिंधा नमक। और एक बात बता देते हैं, सुबह सुबह जल्दी जग रहे हैं सिंधा नमक खाना, हाँ सुबह नींद नहीं, पचेगा भोजन, पचेगा भोजन, पचता है, नींद खुल जाता है एकदम, बहुत अच्छा। तो इस बिजनेस को भी स्टार्ट करिए और एक स्वास्थ्य कॉरिडोर बनाने का काम करिए और इस नमक के साथ आगे बढ़िए। 10,000 की लागत से लाखों रुपया कमाइएगा, यहाँ से जुड़िएगा, आपको नमक मात्र 45 रुपये की किलो के हिसाब से मिल जाएगा। हाँ, यहाँ मार्केट में 110 रुपया किलो नमक, 120 रुपया किलो मिलता है। तो आप इस नमक का प्रचार प्रसार कीजिए, अपने आस पास के एरिया में फैलाइए और बिजनेस करिए, भर भर के पैसे कमाइए और हमसे मिलिए जुलिए, और भी आइडिया आप लोग के लिए लेते आएंगे। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।